हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच क्लिक करने के लिए ये वीडियो ना अगर देख लोगे ना तो सच में मेकअप करना सीख जाओगे। और ये एकदम बिगनर फ्रेंडली मेकअप है, आपको एकदम इजी पीजी लगेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से फाउंडेशन लगाना है, और इस वाले वीडियो में आगे का प्रोसेस हम लोग करेंगे। अभी मैं कंसीलर लगा ले रही हूँ और जहाँ जहाँ पर मेरे डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर लगा ले रही हूँ। अगर आपके फेस में ना डार्क स्पॉट वगैरह नहीं है तो आप मत लगाइए, सिर्फ आइस के नीचे, थोड़ा चिन पे, थोड़ा नोज पे, फॉरहेड पे, इसी एरिया में लगाइए जहाँ जहाँ पे बेसिकली हमें फेस हाईलाइट करना होता है। उसके बाद मैं छोटा सा एक ब्रश ले रही हूँ, क्योंकि ब्रश से ना मुझे कंसीलर ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, अगर है तो यूज़ करिए, नहीं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी सही से हो जाता है। और अच्छे से ना ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ब्लेंडिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे ना तो मेकअप की फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, तो इस वजह से हमें ब्लेंडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्लेंडिंग अगर हम अच्छे से करते हैं ना तो हमारे मेकअप चौकी नहीं दिखते हैं, मेकअप एकदम नेचुरल लगता है। तो जब मैं मेकअप नहीं किया करती थी ना, उस टाइम पे मुझे लगता था कि बस फाउंडेशन लगा लिया, फेस को थोड़ा सा गोरा कर लिया, हो गया मेकअप। पर नहीं, मेकअप अलग है, ठीक है। मेकअप आप जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये किस तरीके से हमारे डिसकलरेशन को मतलब सही करता है, कैसे फ्लॉलेस लगती है हमारी फेस, ठीक है। तो मेकअप का ना बहुत सारे मतलब तरीके हैं, आप बहुत तरीके का मेकअप कर सकते हो। ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा, आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, उसी तरीके का मेकअप मैंने किया हुआ है। और मैंने एकदम सिंपल रखा है कि ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो, आपको भी करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो। तो मेरा बेस तैयार हो गया है जैसे आप देख रहे हैं। अभी देखिए फेस मेरा सही लग रहा है, बट हमें फेस को अभी स्ट्रक्चर देना होगा, इस वजह से हम लोग अभी कॉन्टोर कर रहे हैं। और कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का, कॉन्टोर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे पाउडर वाला कॉन्टोर लगाया है, और आप चाहे तो क्रीम वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि मुझे पाउडर वाला लगाना था तो मैंने पाउडर वाला लगाया। और इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग जैसे मैंने बताया ना, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरा थोड़ा थोड़ा डबल चिन आ रहा है, तो मैं अपने चिन पे भी लगा ले रही हूँ अच्छे से, और आपका अगर नहीं है तो मत लगाना। और नोज़ पे भी लगाना ज़रूरी होता है, नोज़ पे भी लगा ले रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे नोज़ इतने शार्प नहीं है। और मैं कोई भी चीज़ ना इतना ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ आपको फ़िल्टर दिखा के, जितना ज़रूरी है मैं उतना ही आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं ब्लश भी लगा ले रही हूँ, और ब्लश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे लगाना। और मैं एकदम लाइट सा, देख रहे हैं आपको दिख ही नहीं रहा होगा ये, क्योंकि ये डे मेकअप है, और डे में ऑफकोर्स आप इतना लाल लाल बन के बाहर नहीं जा सकते हो, और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है फेस ऐसे लाल लाल हुआ रहता है ना ऑफिस में, कॉलेज में, ऐसे आप कैसे एकदम ब्लश ऑन ऐसे लगा के, अब अच्छा नहीं लगता है ना। तो इस वजह से मैंने एकदम लाइट सा पीची सा शेड लगाया है, एकदम नेचुरल सा लुक आ रहा है। तो आप भी इसी तरीके का एक पीची शेड ज़रूर रखिए अपने पास, और बहुत ही अच्छा एक लुक आता है इससे। तो मैंने ना अपने फेस में अभी सेटिंग स्प्रे भी लगा लिया है, क्योंकि मैं अभी चाहती हूँ कि मेरा फेस इसी मोमेंट में सेट हो जाए, क्योंकि आइस करने से पहले। तो अभी मैं अपने ब्राउज़ कर रही हूँ, और ब्राउज़ को ना कैसे आप ना अपने आउटर साइड पे ना ज़्यादा लगाया करिए, फ्रंट साइड में ना एकदम जो रह जाएगा ना ब्रश में उसको आप लगाइए, ठीक है। उससे ना हमारे ब्राउज़ बहुत ज़्यादा नेचुरल लगते हैं और अच्छा भी लगता है। और ब्राउज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्राउज़ करने से ना हमारे फेस में ना बहुत ही अच्छा एक डेफिनेशन देता है, और बहुत ही अच्छा लगता है फेस। और मैंने पूरा क्लिप यहाँ पर रखा है, मैंने फास्ट नहीं किया है, क्योंकि आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्पूली लेके ना अच्छे से कॉम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हार्श लाइन दिखते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो अभी हम अपना आइस करने लगे हैं, और आइस से पहले कंसीलर ज़रूर लगाइए, नहीं तो जो भी शेड लगाएंगे ना अच्छे से दिखता नहीं है, एनहेंस नहीं हो पाता। तो इस वजह से ना हमें कंसीलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको भी अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कर लीजिएगा।
जो आई मेकअप है बहुत 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 ज़्यादा सिंपल रखने वाली हूँ मैं। एक ब्राउन शेड लिया है, आप कोई भी ब्राउन शेड ले लीजिए, और मैंने अपने पूरे आईलिड पे इसी तरीके से लगा लिया है जैसे आप देख रहे हैं। बहुत ही ईजी पीजी मैंने रखा है, एकदम मतलब हार्ड वाला नहीं बनाया मैंने। और उसको भी अच्छे से ना ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ब्लेंड नहीं करेंगे ना एकदम चौकी चौकी सा दिखेगा। और उसके बाद ना एकदम लाइट सा जो शिमरी शेड होते हैं ना, हर पैलेट में होता ही होता है, मैंने वो लेना भूल गई हूँ उसका शॉट। और वही शेड लेके आप अपने इनर कॉर्नर में ना ऐसे आप लगा लीजिए, ठीक है। दैट्स इट। अभी ना हम लोग लोअर लाइन पे भी लगा लेंगे थोड़ा सा आई शेडो, जो ऊपर में शेड लगाया ब्राउन शेड वही शेड हमें लगाना है। इससे है ना हमारे आंखें बहुत ज़्यादा कंप्लीट लगती है। और नेक्स्ट हम लोग अभी अपने आईलैश कर्लर से अपने लैशेस को कर्ल कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा लुक है और हमें ज़्यादा कुछ मतलब करना नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे ऑफकोर्स हम ज़्यादा कुछ नहीं करते क्योंकि एकदम सिंपल रखना है हमारा मेकअप हमें। और ना मस्कारा प्लीज़ ज़रूर लगाइए, ठीक है। इससे ना आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग फॉल्सेस तो यूज़ नहीं करेंगे, बट बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है आप अगर मस्कारा लगाते हैं, ठीक है। तो इसको स्किप ना करें और इसको भी लगाइए। अभी मैं लाइनर भी लगा ले रही हूँ, एक विंग क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ विंग साइड में। जैसे आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट साइड में एकदम नहीं लगाया लाइनर, मैंने सिर्फ अपने आउटर साइड में ही लगाया है, इनर कॉर्नर में मैंने नहीं लगाया है। और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, अच्छा लगता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा इन भी है। कैट आइस, ये पूरा पूरा कैट आइस नहीं है, अगर कैट आइस मेकअप देखना है तो उसका भी आप कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। लिप्स में मैं पिंक शेड लगा रही हूँ और ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो मैं वो लगा ले रही हूँ। और मैं अभी हाइलाइटर भी लगा ले रही हूँ, और हाइलाइटर प्लीज़ लगाइए, एकदम लाइट वाला शेड लगाइएगा, ज़्यादा एकदम चौकी चौकी सा वैसा वाला मत लीजिएगा, एक अच्छा वाला ले लीजिएगा। और देखिए इससे ना एकदम लुक बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, और ब्लेंड ज़रूर कीजिएगा लगा के, नहीं तो वो बहुत गंदी लगती है। और हाँ जी, डोंट फॉरगेट योर इनर कॉर्नर मतलब आईज के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगाते ना आईज एकदम से बड़े लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं हमारे आईज। तो फाइनली हमारा हो गया है मेकअप, और ये हमारा फाइनल लुक है, एंड आई एम सो हैप्पी विद द फाइनल लुक। और ये मेकअप जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है मैंने, और ये डे टाइम अप्रोप्रिएट है, आप कॉलेज जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो ये लुक पे, आप ये लुक ज़रूर ट्राई करना। और एकदम तामझाम नहीं रखा है मैंने, एकदम सिंपल सा लुक रखा है ये, अगर अच्छा लगे तो बताना। और नेक्स्ट वीडियो कैसा देखना है, कौन सा देखना है, किसके ऊपर कोई स्पेशल लुक देखना है तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके ही जाना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना ये मेकअप कैसा लगा है आपको, ठीक है।